उसके अंदर हमने सिर्फ OSPF की ओवरव्यू और कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे, लेकिन इसके अंदर हम मजीद OSPF को एलेबोरेट करेंगे। OSPF पैकेट टाइप्स, अगर OSPF के पैकेट टाइप्स की बात की जाए तो इसके पांच पैकेट टाइप्स होते हैं। जिस तरीके से हमने EIGRP के अंदर भी पैकेट टाइप्स देखे थे, ठीक है जी, इसके अंदर भी पैकेट टाइप्स हैं। पहला पैकेट जो होता है वो हेलो होता है, मतलब एक राउटर ये है। सैफ आपको नजर आ रहा है? यस सर। ये मैसेज कहाँ से आ रहा है? आपसे भी आ रहा है। हेलो मैसेज तो जैसे ही हम OSPF रन करेंगे ना राउटर्स के ऊपर, ठीक है जी, तो ये सबसे पहले हेलो मैसेज एक सेंड करेगा। हमने लास्ट मॉड्यूल में देखा था जो हेलो मैसेज सेंड होता है उसके अंदर कुछ पैरामीटर, सर्टन पैरामीटर्स होते हैं, वो भी इस मॉड्यूल के अंदर नज़र आ जाएंगे। वो हेलो मैसेज सेंड होगा दूसरे राउटर को, जब दूसरे राउटर के ऊपर OSPF चलेगा तो जारी बात है वो भी एक हेलो मैसेज सेंड करेगा नेबर को, डिस्कवर करने के लिए कुछ पैरामीटर्स लगाएंगे। ये जो सर्टन लगा के मैसेज के अंदर सेंड कर रहा है, अगर उस तरफ से भी इसको रहते हैं तो ये दोनों को मैच करेगा कि हम उसके पैरामीटर सेम हैं, ठीक है जी। जब सेम होंगे तब इनकी डिस्कवर, हाँ भाई दूसरे एंड पे कोई नेबर लगा हुआ है। फिर ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज, ये इसको एक डेटाबेस करेगा, मतलब अपने जो राउट्स होंगे ना उसकी डेटाबेस की एक डिस्क्रिप्शन मैसेजेस एक सेंड करेगा। इसी तरह से ये भी अपने डेटाबेस टेबल की एक डिस्क्रिप्शन सेंड करेगा जस्ट। अच्छा, जब ये डिस्क्रिप्शन सेंड कर देगा तो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट LSA कहते हैं, LSR स्टेट रिक्वेस्ट। जब डिस्क्रिप्शन मैसेज क्या आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। होगा, ये राउटर उस डिस्क, मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही? नहीं, थोड़ा कम हो रही है, फिर बढ़ रही है, कम हो रही है, फिर बढ़ रही है। जी अब ठीक आ रही है? अब ठीक आ रही है। यस सर। चलें, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या होता है, पूरी डेटाबेस की एक डिस्क्रिप्शन सेंड की जाती है। जब डिस्क्रिप्शन उसके पास आ जाएगी तो ये राउटर जो होगा उस डिस्क्रिप्शन के अंदर किसी भी स्पेसिफिक राउट के लिए, किसी भी स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए उसकी एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा कि प्लीज इस फलां नेटवर्क की जो है वो डिटेल सेंड करो। मतलब ये मैंने आपको बताया था OSPF के अंदर जो लिंक होता है, एक लिंक के ऊपर एक नेटवर्क चलेगा ना, तो इस लिंक की वजह से इसे लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट कहते हैं, LSA कहते हैं, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो एक मिनट भाई, ये जो डेटाबेस जो सर, हाँ एक मिनट एक मिनट, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन में जो पूरा डिस्क्रिप्शन सेंड की जाती है उसको लिंक स्टेट डेटाबेस कहते हैं, लिंक स्टेट LSA कहते हैं। एक सेकंड आ रहे हैं सर। नहीं रमी, तुमसे पूछ रहा था मैं, क्या कह रहे थे सर? मैं ये सर ये कह LSA किसको रहे कहते हैं? थे, LSA होता है कि हर एक लिंक एक LSA होता है, जो भी राउटर पे एक लिंक लगा होता है वो एक LSA होता है। तो अब वो जब हेलो पैकेट भेजते हैं तो जो अपने डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन है, जो भी डेटाबेस की, वो अपने एक दूसरे को फॉरवर्ड करते हैं सर ने इसे ये। फॉरवर्ड करते हैं। हाँ, तो LSA का क्या बोला सुन लो? हर एक लिंक अपने जी एक, हाँ मैं सर, आपको बताता सर आप शुरू से बताओगे? शुरू से। हाँ मैं शुरू से बताता हूँ। बेसिकली मैंने बताया कि
OSPF के पैकेट टाइप्स, मतलब OSPF के पैकेट टाइप्स का मतलब ये है कि पहला तो हेलो मैसेज ही होगा नेबर को डिस्कवर करने के लिए। अच्छा ठीक है जी। जब नेबर डिस्कवर हो जाएंगे तो राउटर्स का जो डेटाबेस होगा ना, हाँ, वो अपनी डिस्क्रिप्शन सेंड करेंगे दूसरे को, ये इसको सेंड करेगा, ये इसको सेंड करेगा। अच्छा। अब डिस्क्रिप्शन के अंदर ना पूरे राउट्स नहीं होते, मतलब अच्छा। एक डेटाबेस की जस्ट एक डिस्क्रिप्शन होती है, कंप्लीट अच्छा। नहीं होता ऐसा कह लें उसको, ठीक अच्छा। है, एक समरी कह लें, मतलब हर राउट कंप्लीट उसकी डिटेल नहीं होती, एक जस्ट डिस्क्रिप्शन बता रहा होता एक डेटाबेस की। अच्छा। फिर जब इस राउटर को रिसीव हो जाती है डिस्क्रिप्शन, तो ये राउटर उस डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट जिस नेटवर्क की इसको डिटेल चाहिए होती है ना, उसकी रिक्वेस्ट सेंड करता है, जिसे कहते हैं लिंक स्टेट रिक्वेस्ट। मतलब मुझे फलां लिंक की डिटेल बताओ, रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज, ये इसको रिक्वेस्ट करता है प्लीज मुझे फलां अपने लिंक की जो डिटेल बताओ, इसकी रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है जी। अच्छा। ये जब अपने लिंक की, हर लिंक की जो डिटेल, राउट्स की जो डिटेल इंफॉर्मेशन है जब सेंड करेगा, उसे हम कहते हैं LSU, लिंक स्टेट अपडेट। अच्छा, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम भी, हर लिंक जो होता है ना वो LSA कहलाता है। अच्छा। लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट या एडवर्टाइजमेंट। अब हर लिंक LSA कहलाता है, हर लिंक, ये एक LSA है, ये भी एक LSA है, ये भी एक LSA होगा, इसका भी एक LSA होगा, मतलब हर नेटवर्क एक LSA होगा। हाँ। उन तमाम LSAs को अगर एक मजीद मैसेज के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद कर दिया जाए, हाँ, तो उसे लिंक स्टेट अपडेट कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब लिंक स्टेट अपडेट कहते हैं। LSU is collection of LSAs. Collection of LSAs, simple is that. सही है जी? ठीक है। तो ये अपडेट सेंड करेगा उसको, जब ये अपडेट इसको वापस मिलेगी इस राउटर को, हाँ, राउटर वन को, जो यहाँ पे राउटर, हाँ, ये वन है, इसको जब मिलेगी तो ये इसको एक्नॉलेज करेगा, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट, उसके अगेंस्ट जब अपडेट मिल जाएगी, हाँ, तो ये लास्ट मैसेज सेंड करके एक्नॉलेज करेगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हाँ, मैंने जिसकी रिक्वेस्ट की थी आपने उसकी मुझे डिटेल दे दी, लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट। तो हम इसे शॉर्ट फॉर्म में इसे हेलो, इसे DB डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज, इसे LSR लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, इसे लिंक स्टेट अपडेट LSU, और इसे LSA कहते हैं। मतलब शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं अगर शुरू से समराइज करूं से, तो जो दो राउटर अगर OSPF के नेटवर्क में आते हैं, तो पहले वो हेलो, हेलो पैकेट समझते हैं, हेलो मतलब कि भैया मैं यहाँ पर हूँ, आप मैं एक राउटर हूँ, मैं आपसे नेबरशिप करना चाहता हूँ। फिर वो अपने डेटाबेस की डिस्क्रिप्शन भेजते हैं, राउटिंग टेबल नहीं भेजते हैं, समरी भेजते हैं, समरी भेजते हैं, पूरे राउटिंग नहीं भेजते, ठीक है, जस्ट लाइक टोपोलॉजी टेबल, टोपोलॉजी टेबल, बिल्कुल डेटाबेस टोपोलॉजी टेबल कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट करता है कि हर एक लिंक की, हर एक लिंक की इंफॉर्मेशन चाहिए उसे। जी बिल्कुल, मतलब वो एक राउटर दूसरा, दिस वो एक राउटर दूसरे राउटर को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे लिंक स्टेट अपडेट दो, अपने अपडेट दो, जैसे तो समझ लो एक को सी से अगर कम्युनिकेट करना है, एक को अगर सी से कम्युनिकेट करना है, तो पहले ए जो है वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई मुझे अपनी अपडेट दो पूरी। हां अच्छा, सही है। उसके बाद मतलब आप ये कह लें, उसके बाद वो अपडेट देंगे तो अपडेट्स के अंदर हर लिंक की अपडेट होगी। सारी अपडेट आ चुकी होंगी, तब इसके ऊपर एल्गोरिथम रन होगा OSPF का, SPF एल्गोरिथम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तब यहाँ से बेस्ट पाथ का लूप कैलकुलेट हो गया, इसके राउटिंग टेबल में जाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। कैसे कैसे OSPF पैकेट हेडर फॉर होता है, लिंक हेडर होता है, IP हेडर होता है, लिंक ट्रेलर होता है, लेकिन OSPF का एक भी एक हेडर होता है जो OSPF पैकेट टाइप से लाते हैं, उसका प्रोटोकॉल नंबर 89 होता है, मैंने लास्ट टाइम ही बताया था OSPF का प्रोटोकॉल ID नंबर क्या होता है, 89। अगर अगर एक राउटर के ऊपर आपने ACL लगाई हुई है,
ठीक है जी, और उसके साथ अब आपकी OSPF नेबर रिलेशनशिप भी बनी हुई है, और आपने कहा कि इस तरफ से आने वाले इन बाउंड के अंदर, मतलब दूसरे राउटर की तरफ से कोई भी ट्रैफिक आए वो ACL के अंदर डिनाई हो, आपने ये सोच के लगाई, लेकिन आपको याद नहीं रहा। अब वो ये जो पोर्ट अगर ये भी ब्लॉक हो जाएगी तो इसकी नेबर रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगी। ठीक तो है। हमें फिर ऐसे सिनेरियोज के अंदर प्रोटोकॉल्स की जो IDs होती हैं, जो पोर्ट नंबर्स होते हैं, पोर्ट नंबर, उनको ACL के अंदर परमिट करवाना पड़ता है। ठीक है, स्पेशली जब हम फायरवॉल कॉन्फ़िगर कर रहे होते हैं GUI मोड के अंदर, तो अगर हम कोई ACL वगैरह लगाते हैं, कोई इम्प्लीमेंटेशन वगैरह करते हैं, वो बाय डिफॉल्ट वैसे फायरवॉल के ऊपर होती हैं चीजें, तो फायरवॉल हमें जरूर एक मैसेज सेंड करती है कि आपके दरमियान फलां प्रोटोकॉल चल रहा है, अगर आप प्रोटोकॉल अगर ये आप ओके कर देंगे तो ये प्रोटोकॉल नेबर रिलेशनशिप भी डाउन हो जाएगी। ठीक है। तो आप इसको बचाना चाहते हैं, नहीं तो आप उसको अनचेक कर देंगे तो वो उसको ब्लॉक नहीं करता। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब फायरवॉल या सिक्योरिटी पढ़ रहे होते हैं तो उसके अंदर ये जो नंबर्स होते हैं जो अभी तो इम्पोर्टेंस नहीं रखते, सिक्योरिटी के अंदर जब चीज़ें यूज कर रहे होते हैं तो उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखते हैं कि फलां नंबर उसका क्या था, उसको अलाउ करना है, अब फलां नंबर क्या था, या इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ठीक है जी। ठीक है। OSPF पैकेटाइज के अंदर होता क्या है, वर्जन नंबर होगा, बाय डिफॉल्ट OSPF IP वर्जन 4 के अंदर वर्जन 2 चल रहा होता है। ठीक है। ठीक है। OSPF पैकेट के अंदर टाइप देखी होगी, वर्जन 6 की है, 4 की है। ठीक है जी। पैकेट लेंथ कितना है उसका, पैकेट का उस राउटर की राउटर आईडी क्या है, वो आईपी यहाँ पे लिखी जाएगी, उस राउटर को उसके किस एरिया में एडवर्टाइज करवाया गया है, इंटरफेसिस को 1, 2, 3 या जो भी है, चेकसम जो उसकी कैलकुलेट करी गई है वैल्यू, एक चेकसम की सब चीज़ों को मिला के, एक चेकसम वाली होती है ना कि आपका डाटा प्रॉपर है कि नहीं है, ऑथेंटिकेशन टाइप सिंपल ऑथेंटिकेशन लगाई हुई है या MD5 लगाई हुई है। ठीक है। ठीक है जी, दोनों तरफ की यह सपोर्ट बेटर है। ऑथेंटिकेशन जो आप लगाएंगे उसका जो हैश निकलेगा वो हैश लगेगा यहाँ पे, उसके बाद जो डाटा होगा, जो डाटा जाएगा OSPF के राउट्स वगैरह जो होंगे वो सारे यहाँ पे लगे होंगे। ये डाटा वो डाटा नहीं होगा PC का, ये डाटा यहाँ पे राउट्स होंगे, लिंक स्टेट अपडेट्स होंगी, वो डाटा कहलाएगा, क्योंकि ये सारे का सारा क्या है, OSPF पैकेट टाइप को एक्सप्लेन किया जा रहा है। सही है। ठीक है। ये जितनी चीजें हमने देखी हैं ये अभी हम आगे लॉग्स में भी देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, OSPF वर्जन 2 और वर्जन 3 में क्या फर्क है? OSPF वर्जन 2 ही होता है IP वर्जन 4 के लिए, IP वर्जन 4 के लिए, 4 के लिए होता है, और IP वर्जन 6 के लिए जो चलता है ना OSPF, वो वर्जन 3 होता है। मतलब इतने इतने डिफरेंस है OSPF, बस इतने ही डिफरेंस है। अच्छा, अंदर तो बहुत सारी चीजें डिफरेंस है बैकएंड के ऊपर। अच्छा, लेकिन 2, 3 से यही डिफरेंस है कि OSPF वर्जन 3 जो है वर्जन 6 के लिए, अच्छा, IP वर्जन और 2 जो IP वर्जन 4 के लिए। ठीक है। सही है। ठीक है। ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन में भी आएगा। ठीक है। अगर आपने सर ये सब क्वेश्चन का ही, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है ये। हां, ये पूछा हुआ है, मैं कल मैं क्वेश्चन देख रहा है। मेरी तबीयत से लटके लगा रहा है। नहीं सही है यार, अब क्या करो यार। नहीं, एग्जाम एग्जाम का ही क्वेश्चन है ये, वाकई एग्जाम का ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला। अच्छा जी, नेबर चिप द हेलो पैकेट, मैंने कहा था इस हेलो मैसेज के अंदर कुछ सर्टेन पैरामीटर, ये हेलो मैसेज बिल्कुल इसी तरह का एक मैसेज होता है, बहुत सारी चीजें लगी होती हैं, बिल्कुल एक खत का लिफाफा होता है। इस खत के लिफाफे के अंदर ये हेलो मैसेज के अंदर क्या दूसरी तरफ जाता है उसके अंदर देखें जी, अब मैसेज के अंदर क्या क्या जाता है, राउटर ID, हेलो एट दैट टाइम इंटरवल्स, नेबर्स ID, एरिया ID, राउटर प्रायोरिटी, डेजिग्नेटेड राउटर IP एड्रेस, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर IP एड्रेस, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड, स्टब एरिया फ्लैग। ये इतनी चीजें इस हेलो के अंदर सर्टन पैरामीटर्स रखे जाते हैं, वो भी अपने एंड से उनको चेकआउट करता है, अगर उसके ऊपर भी होते हैं तो आपस में नेबर बनते हैं, लेकिन आपस में नेबर बनने के लिए जो चीजें जरूरी हैं वो कौन सी हैं, हेलो डाटा इंटरवल, एरिया ID, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड एंड स्टब फ्लैग, चार चीजें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रख लें।
ये ट्रबल शूटिंग, अगर ये चीजें याद होगी ना ट्रबल शूटिंग आप फौरन कर लेंगे, मतलब ये किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर जरूरी होती है। मैंने ये टिक मार की है ना, हाँ। पहला हेलो एट डेटा इंटरवल, ये दोनों एंड पे सेम होना जरूरी है। मतलब इधर अगर बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड होते हैं, अच्छा। इधर भी बाय डिफॉल्ट 10 सेकंड होते हैं, ठीक है जी। और इनका एक्सपायर टाइम होता है 40 सेकंड। अच्छा। अगर इसका 10 हेलो है और डेटा इंटरवल 40 सेकंड है, हाँ। इस राउटर के ऊपर जाके मैंने इसका हेलो टाइम चेंज कर दिया 20 और डेटा इंटरवल फोर हो गया 60, तो ये आपस में नेबर रिलेशनशिप ब्रेक कर देंगे, नहीं बनाएंगे। अच्छा। क्योंकि टाइमर्स डिफरेंट हो जाएंगे ना, ठीक है, टाइमर्स डिफरेंट हो जाएंगे इनके। फिर एरिया आईडी, अगर इस को एरिया वन में एरोडाइज करवाया है, हाँ। तो इसका ये वाला भी एरिया वन में होना चाहिए, तो ये दोनों एरिया वन में होंगे तो नेबर बनेंगे। अगर इसको एरिया टू में एरोडाइज करवा दिया, इसको वन में करवा दिया, तो ये सेम एरिया में तो नहीं हुए, तो नेबर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तीसरी चीज ऑथेंटिकेशन पासवर्ड, अगर इसके इंटरफेस के ऊपर मैंने कोई पासवर्ड लगाया है, हाँ। वही पासवर्ड सेम इसके इंटरफेस में भी होना मस्ट है, अगर नहीं होगा तो ये आपस में नेबर रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चौथी चीज जो है वो है स्टब एरिया फ्लैग। स्टब एरिया फ्लैग, जब हम स्पेशल एरिया टाइप्स करेंगे ना, स्टब, टोटली स्टबी, नॉट सो स्टबी, टोटली नॉट सो स्टबी, ऑर्डिनरी एरिया, तो उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा स्टब एरिया फ्लैग क्या होता है। स्टब एरिया फ्लैग अभी फिर आप ये रख लें कि ये एक एन बिट होती है। अगर इस राउटर के ऊपर स्टब हमने ऑन कर दिया, इस राउटर को स्टब के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया है, और इस राउटर को हमने स्टब के अंदर कॉन्फ़िगर नहीं किया, तो इसकी जो एन बिट होती है वो ऑन हो जाती है, इसकी एन बिट जो होती है वो स्टब फ्लैग नहीं होता, जीरो होती है। अच्छा। तो ये आपस में जो हेलो मैसेज सेंड करते हैं तो स्टब फ्लैग की बिट भी लगा के सेंड करते हैं। अच्छा। अब इधर से जो बिट होगी वो वन होगी, इधर से जीरो होगी, तो ये कहेगा मैं तो नहीं नेबर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये चारों चीजें दोनों एंड पे सेम होना मस्ट है, अगर एक भी डिफरेंट हुई तो नेबर रिलेशनशिप ब्रेक, ठीक है। अब मुझे आप लोग ये बताएं EIGRP के अंदर कौन सी ऐसी चीजें थी जिनसे नेबर रिलेशनशिप नहीं बन सकती थी, जिस तरह इसके अंदर मैंने बताया। हाँ, के वैल्यू, याद है? के वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है, सही है, और सही है, अपना ऑथेंटिकेशन सेम होनी चाहिए इसके अंदर भी, ऑथेंटिकेशन सेम होनी चाहिए, ऑथेंटिकेशन बिल्कुल ठीक है। और तीसरी, और क्या था, एक और चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट AS नंबर, यस, सिस्टम नंबर मस्ट बी सेम ऑन बोथ राउटर्स, बिल्कुल, ठीक है जी, बिल्कुल। ये EIGRP के अंदर ये जो मैं चीजें अभी आपको दोहरा रहा हूँ बार बार, इनको ज़हन में बिठा लें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि ट्रबल शूटिंग करते हुए आप सबसे पहले इनको पकड़ेंगे, ठीक है, इनको चेकआउट करेंगे, इनको चेकआउट करते हुए आपका ट्रबल शूट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। मतलब ये वो चीजें हैं, ये वो की पॉइंट्स हैं जो कोई भी बड़े से बड़ा बंदा भी होगा अगर उसको भी ये भूल गए तो वो ट्रबल शूटिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर उसको ये पॉइंट्स याद है वो वन बाय वन ये चीजें चेक करेगा दोनों पे, ट्रबल शूट करके बता देगा ये प्रॉब्लम है भाई आपका, ठीक है, ठीक है, यस सर। चलो जी आगे चलते हैं, एस्टैब्लिशिंग वाइटल कम्युनिकेशन। अच्छा, OSPF के अंदर नेबर रिलेशनशिप बनना 7 स्टेजेस, जैसे स्पैनिंग ट्री के अंदर आपने देखा था ना, स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के अंदर जब एक पोर्ट ब्लॉक से फॉरवर्ड मोड में आती है तो अपनी एक ट्रांजिशन स्टेट्स को पूरा करके आती है, ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग एंड देन फॉरवर्डिंग, ठीक है, 4 स्टेजेस से गुजर के आती है, हर स्टेज के अंदर उसका कोई ना कोई काम होता है, ठीक है, ठीक है जी। ब्लॉकिंग अंदर ब्लॉक होती है, लिसनिंग के अंदर बीपीडी मैसेज लिसन करना शुरू कर देती है और डिसाइड कर रही होती है पोर्ट को डेजिग्नेट बनाना है या बैकअप डेजिग्नेट बनाना है या अल्टरनेट पोर्ट बनाना है, रूट पोर्ट बनाना है, फिर लर्निंग स्टेट में मैक केबल बना रही होती है, फिर फॉरवर्ड स्टेट में डाटा सेंड करना शुरू करती है। इसी तरीके से OSPF के अंदर दो राउटर जब नेबर बनते हैं तो 7 डिफरेंट स्टेजेस से गुजर के जाते हैं तो फिर नेबर प्रॉपर बनते हैं। तो पहला स्टेज क्या है कि जैसे ही OSPF इसके ऊपर चलेगा और इसके ऊपर OSPF चलेगा तो हेलो मैसेज सेंड करेंगे, पहले तो ये डाउन होंगे ना, डाउन स्टेट कहलाएगी दोनों की, ठीक है। डाउन स्टेट का मतलब ये नहीं कि इंटरफेस डाउन होगा, नहीं,
डाउन स्टेट का मतलब ओएसपीएफ में इसको एडवर्टाइज नहीं करवाया आपने, इधर को भी नहीं कराया, तो डाउन स्टेट ओएसपीएफ चलाएगी ये, ठीक है ठीक है। तो जैसे ही ओएसपीएफ चलाएंगे डाउन स्टेट से निकलेगा बाहर राउटर ए हेलो मैसेज सेंड करेगा, पहला मैसेज हेलो मैसेज आई एम राउटर दिस एंड आई सी नो वन ऑन द लिंक हेलो मैसेज सेंड। देखिए याद रहे इस राउटर का जो नाम होगा वो इसकी राउटर आईडी होगी, इस वक्त इसकी राउटर आईडी क्या होगी 172.16.5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 .
ठीक है, इन दोनों में से राउटर किसकी है? क्या बोल रहे हो? राउटर आईडी बड़ी किसकी है? इन दोनों में से राउटर आईडी बड़ी किसकी है? राउटर बी की सर, राइट वाले की, बी राउटर वाले बी की बड़ी राउटर आईडी है। अच्छा yes, अभी देखें यहाँ पे इस राउटर ए ने हेलो मैसेज सेंड किया, इसने कहा मेरी राउटर आईडी फला है 5.1, मैंने लिंक के ऊपर कुछ नहीं देखा, इसके पास मैसेज पहुंचा। अच्छा इसने जो ये मैसेज सेंड किया था ये कोई ब्रॉडकास्ट मैसेज नहीं था, इसने मैसेज सेंड किया मल्टीकास्ट आईपी 224.0.0.5 के ऊपर। ये ओएसपीएफ के अंदर मल्टीकास्ट आईपी है जिसके ऊपर मैसेज सेंड किया था तमाम को राउटर्स को, डीआर को छोड़ के। ठीक है ठीक है। अच्छा जैसे ही इस राउटर बी के पास ये मैसेज आया, राउटर बी ने फौरन अपना नेबर टेबल बनाया कि मेरा एक नेबर है, लिस्ट के अंदर डाल दिया कि 5.1 मुझे अभी अभी मेरे इस लिंक के ऊपर मैसेज रिसीव हुआ E1 के ऊपर। तो इसने फौरन जैसे ही रिसीव हुआ ना, बी ने कह दिया कि ये तो मेरा नेबर हो गया क्योंकि उसने मुझसे पूछा है और मेरे पैरामीटर भी सेम है। फिर इसने हेलो मैसेज सेंड किया, इसने हेलो मैसेज के अंदर क्या है, आई एम राउटर आई डी दिस 5.2 एंड आई सी 1.16.5.1, मैंने आपको देखा है। ठीक है, इसको मैसेज सेंड करता है तो ये एक यूनिकास्ट मैसेज होगा। देखें दोनों में फर्क है, इसने जो हेलो मैसेज सेंड किया था वो मल्टीकास्ट था। ठीक है, इस आईपी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि उसको उसको नहीं पता था दूसरे लिंक के ऊपर है या नहीं है, लेकिन इसको अब मैसेज रिसीव हो चुका है दूसरी तरफ से। ठीक है, तो इसको पता है कहाँ पे रिसीव हुआ है किससे। तो इस वक्त इसने यूनिकास्ट सेंड किया है मैसेज राउटर ए को सिर्फ, बाकी सबको नहीं किया। तो राउटर ए ने कहा कि ठीक है भाई, मुझे अपने इथरनेट की के ऊपर इस लिंक के ऊपर एक मैसेज रिसीव हुआ है 5.2 का, वो ये मेरा नेबर है। तो ये पहला स्टेट के लाएगी, डाउन स्टेट के बाद ये इनिशियल स्टेट के लाएगी जिसके अंदर ये दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इसने इनिशियल स्टेट के अंदर अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया, उसके बाद इसने अपना हेलो मैसेज सेंड करके अपने आप को करवाया। तो जब दोनों ने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा दिया तो इस स्टेट को कहेंगे टू वे स्टेट कंप्लीट हो गई। ठीक है ठीक है, टू वे स्टेट में। तो ये पहली स्टेट थी, टू वे स्टेट में वो राउटिंग एडवर्टाइजमेंट, टू वे स्टेट में दो, नहीं, टू वे के अंदर तो अभी सिर्फ हमसाए बने हैं बस। हाँ, और उनको कुछ नहीं पता अभी। लास्ट क्लास हमने बताया, अभी सिर्फ लास्ट क्लास हमने बताया था कि डीआर और बीडीआर सिर्फ डीआर अदर्स को देते हैं, बाकी डीआर अदर्स आपस में सिर्फ टू स्टेट, टू वे स्टेट बना के रखते हैं। हाँ बिल्कुल, लास्ट में स्लाइड्स मॉड्यूल के अंदर ये बताया था, लेकिन अभी उस सिनेरियो को हम देखेंगे, लेकिन अभी ये सिर्फ इसको फोकस कर रहा है कि मैसेजेस कैसे एक्सचेंज होते हैं। ठीक है ठीक है, ये हम देखेंगे भी, चैट करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा, ये डाउन एट में चला गया, टू वे में चला गया। ठीक है, अच्छा अभी सिर्फ ये नेबर बने हैं। फिर अगली स्टेट आएगी एक्सट्राट स्टेट। एक्सट्राट स्टेट के अंदर क्या होगा कि ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड कर रहा है, आई विल स्टार्ट एक्सचेंज बिकॉज आई हैव राउटर आईडी दिस। ये कहता है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैं एक्सचेंज करना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मेरी राउटर आईडी बड़ी है। वो राउटर डी जो है दूसरा है वो कहता है नो, आई विल स्टार्ट एक्सचेंज बिकॉज आई हैव हायर राउटर आईडी। मैं डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज पहले सेंड करूंगा क्यों, मेरी राउटर आईडी बड़ी है, आपकी बड़ी नहीं, वो कह रहा मेरी बड़ी है। तो ये इसको उसका मैसेज जो है वो इग्नोर कर देता है, ये कहता है मैं अपनी मैसेज सेंड करूंगा पहले, सबसे पहले क्यों, मेरी राउटर आईडी बड़ी है। जब इसने कहा ओएसपीएफ इसके ऊपर भी चला, इसके ऊपर भी चला, तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या होती है, वन होती है डीआर बीडीआर के अंदर, इसकी भी वन होगी। यहाँ पे तो उनका टाइप पहले से ही हो चुका था बाय डिफॉल्ट। ठीक है, जब डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड किया तो इसने कहा मेरी राउटर आईडी बड़ी है, तो यहाँ पे इसकी राउटर आईडी छोटी हुई, तो यहाँ पे ये डिसीजन भी हो गया कि ये डीआर है और ये बीडीआर है।
ठीक है, डिसीजन हो गया। बिल्कुल, डिसीजन कहाँ पे हुआ? एक्सट्रार्ट स्टेट के अंदर। ठीक है, तो हम ये कहते हैं, ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि ओएसपीएफ के अंदर जो दोनों आपस में नेबर बनते हैं वो डीआर बीडीआर किस स्टेट के अंदर बनाते हैं, किस स्टेट में बनाते हैं? एक्सट्रार्ट स्टेट के अंदर, क्योंकि उसके अंदर उसको पता लग गया था मेरी राउटर आईडी बड़ी है। फिर एक्सचेंज स्टेट आती है, फिर ये मैसेज सेंड करता है, हियर इज अ समरी ऑफ माई एल एस डी बी, जो मैं बात कर रहा था, ठीक है, लिंक स्टेट डेटाबेस या टोपोलॉजी टेबल की मेरी समरी ले लो। इसने कहा शुक्रिया, आपकी समरी मुझे रिसीव हो गई है। इसने अपनी सेंड की समरी उसको, तो ये डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड हुआ हेलो के बाद, जो हमने देखा था। ठीक है, तो एक्सचेंज स्टेट के अंदर सिर्फ डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज एक दूसरे को सेंड होते हैं, और एक्सट्रार्ट स्टेट के अंदर आप ये कह सकते हैं डीआर बीडीआर का इलेक्शन भी होता है, और जो डीआर बनता है वही डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड करेगा पहले। ठीक है, ठीक है सर, एक मिनट। जी सर, एक मिनट। जी जी, वापस आ गया, आ गया। यस सर। जी पूछे सर, मैं लिख रहा था बस। अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद पूछ रहे हैं कुछ। जी, एडिंग द लिंक स्टेट एंट्रीज। अब देखें जी, दोनों ने पिछली स्टेट के अंदर एक दूसरे को एक्सचेंज मैसेज सेंड कर दिए थे डेटाबेस डिस्क्रिप्शन के। ठीक है, जब दोनों ने डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज सेंड कर दिए, तो दोनों ने एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट सेंड की, थैंक्स फॉर द इंफॉर्मेशन बाई डायरेक्शनल। फिर ये आ गया लोडिंग स्टेट के अंदर, क्योंकि इसने अपने डेटाबेस टेबल की एक डिस्क्रिप्शन उसको सेंड की थी, कंप्लीट नहीं सेंड किया था, तो एक्नॉलेजमेंट करने के बाद इस राउटर ने कहा लिंक स्टेट रिक्वेस्ट, आई नीड द कंप्लीट एंट्री फॉर दिस नेटवर्क 6.0। इसके पीछे कोई नेटवर्क चल रहा है, ठीक है यहाँ पे कोई नेटवर्क चल रहा है ये वाला, तो ये राउटर इसको कहता है मुझे इस फलां नेटवर्क की कंप्लीट डिटेल दो। तो उसके किसके थ्रू रिक्वेस्ट कर रहा, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये उसकी अपडेट करने के लिए लिंक स्टेट अपडेट बनाता है, उसके अंदर जितनी भी उसने पूछी होती है वो सारी की सारी अपडेट उसके अंदर रखता है, और कहता है हियर इज द एंट्री फॉर नेटवर्क दिस 6.0/24, जितनी भी अपडेट्स हैं, जितने भी उसके फलां फलां सबनेट्स बने हुए हैं अंदर, वो सारे इसको सेंड कर देते हैं। जब ये इसको रिसीव हो जाते हैं तो ये इसकी लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट सेंड करता है, थैंक्स फॉर द इन्फॉर्मेशन। जब ये इन्फॉर्मेशन इसको सेंड कर देता है, इसी तरीके से ये इसको को भी रिक्वेस्ट करेगा, ये इसको देगा अपने, तो ये इसको एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा, तो आखिरी स्टेट हो जाएगी फुल स्टेट। फुल स्टेट का मतलब है कि जब लिंक स्टेट एक्नॉलेजमेंट कर दी जाएगी, तो इसका मतलब है इसने अपने डेटाबेस टेबल के ऊपर एल्गोरिथम रन करके एसपीएफ का शॉर्टेस्ट पाथ ट्री बना के राउटिंग टेबल एक्सट्रैक्ट कर चुका है। ये फुल स्टेट का मतलब है कि ये राउटिंग टेबल एक्सट्रैक्ट कर चुका है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन तो ये सात स्टेट होती। लोडिंग स्टेट में, लोडिंग स्टेट में वो लिंक स्टेट रिक्वेस्ट करेगा कि, मतलब लिंक स्टेट रिक्वेस्ट तब करेगा जब उस पर एल्गोरिथम चल जाएगा कि मुझे आई में, मेरे टोपोलॉजी में 5 रूट्स हैं, मुझे इन 5 रूट्स की कंप्लीट राउटिंग पाथ चाहिए। एम आई राइट? ये पाथ एक ही करके भेजेगा ना? नहीं, एक ही करके भेजेगा या एक साथ भेजेगा? नहीं, यहाँ पे जो है ना एलएसआर, ये एक की शो कर रहा है, ये जितनी डिस्क्रिप्शन उसके अंदर आएगी हर किसी के लिए एसआर भेजेगा। ठीक है, अच्छा, एक साथ ही भेजेगा या एक एक करके, मतलब कोई थोड़ा टाइम? नहीं, लिंक स्टेट रिक्वेस्ट वहां पे हर जिस नेटवर्क की इसको चाहिए होगी उसके लिए ये अलग अलग करके भेजेगा। सही है, मतलब एक साथ नहीं भेजेगा ये? नहीं, एक साथ नहीं भेजेगा। देखिए ना, उसने रिक्वेस्ट, मतलब जैसे अगर सर आप एक समझ ले आप कि राउटर ए के ऊपर 5 नेटवर्क है और राउटर बी के ऊपर, और 5 नेटवर्क में से कोई एक नेटवर्क अभी बात करना चाह रहा है राउटर बी से, तो अभी सिर्फ उसकी एडवर्टाइजमेंट होगी, सिर्फ एक की अभी रिक्वेस्ट कर रहा है। अगर किसी और नेटवर्क यहाँ पे 5 भी चल रहा है पीछे 5.0, तो उसकी अलग रिक्वेस्ट सेंड करेगा पीछे। नहीं, अगर वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करेगा, लेकिन वो जाती पैरेलल है,
वो इतनी तेजी से एक साथ ही जाती है सबके लिए और फिर अपडेट बन के वापस आ जाती है, लेकिन रिक्वेस्ट अलग अलग सबनेट की अलग अलग होगी। मेरा क्वेश्चन ये है, चाहिए मेरा क्वेश्चन ये है कि शुरू के, लेट स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग, दो राउटर आते हैं नेटवर्क पे, ठीक है, एक राउटर ए के, बिल्कुल राउटर ए के पीछे तीन नेटवर्क चल रहे हैं, राउटर बी के पीछे तीन नेटवर्क चल रहे हैं, सही जब वो एक स्टार्ट होगा, डी आर बी डी आर इरेक्शन होगा, उसके बाद जब वो राउटिंग है। अपनी टेबल शेयर करेंगे, टोपोलॉजी शेयर करेंगे, जब वो डेटाबेस शेयर करेंगे, तो वो तो एक साथ शेयर करेंगे ना, कि मुझे, क्योंकि राउटर ए को राउटर बी के नेटवर्क के बारे में नहीं पता, राउटर बी को राउटर ए के नेटवर्क के बारे में नहीं पता, तो वो तीनों नेटवर्क एक साथ भेजेंगे ना कि मुझे। एक साथ तो करेगा, हाँ एक साथ तो करेगा, लेकिन मैसेजेस हर नेटवर्क के अलग रिक्वेस्ट की जाएगी, आएगी एक साथ ही। अच्छा ठीक है, जब हम लॉग्स देखेंगे ना, जब हम लॉग्स देखेंगे हाँ तो लॉग्स के अंदर आपको नजर आएगा, अब इस इंटरफेस के ऊपर फला नेटवर्क आ गया, अच्छा अब इस नेटवर्क के ऊपर फला ये वाला सबनेट भी आ गया, अब इस नेटवर्क के ऊपर मैंने फला ये वाला सबनेट भी रिसीव कर लिया, ठीक है ठीक है। ठीक है तो उसका मतलब है कि वो अलग अलग रिक्वेस्ट जा रही है, अलग अलग आ रहे हैं, उनकी जो डिवेल है उधर से वो उसको रिसीव हो रही है हर रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, लेकिन वो होती पैरेलल है। हम ये नहीं कहते कि राउटर एक सेंड करके बैठ जाता है, नहीं, हर सबनेट के अगेंस्ट वो रिक्वेस्ट जनरेट करके सेंड कर देता है, लेकिन ये प्रोसेस सिर्फ पहली दफा होगा, पहली दफा होगा, उसके बाद पार्शियल इंक्रीमेंटल अपडेट्स होंगे बस। फिर एलएसआर रिक्वेस्ट करेगा, सही है? फिर वो जब एक बार हो जाएगा उसके बाद हाँ एलएसआर करेगा, फिर एलएसयू देगा, फिर एलएसआर देगा, फिर एलएसयू देगा, ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल, पार्शियल इंक्रीमेंटल अपडेट। सर इसको तो एक बार सात स्टेट हो गई एक यहाँ एक सर इसको एक जी। बार समराइज कर दोगे सर इस पूरे स्टेट्स को? हाँ मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। ओएसपी नेबर रिलेशनशिप्स कितनी है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा हाउ मेनी स्टेट्स टू बिकम एन नेबर रिलेशनशिप इनटू द ओएसपी प्रोटोकॉल, सो सेवन स्टेट्स हैं, डाउन स्टेट इनिट टू वे एक्सट्रैक्ट एक्सचेंज लोडिंग एंड पुल, ठीक है ठीक है। ठीक अगर वो ये क्वेश्चन करेगा, आप इसका आंसर करोगे, उसको ये पता लग जाएगा कि आपको इन चीजों का पता है, ठीक उसके बाद फौरन उसका ये क्वेश्चन होगा कि डीआर बीडीआर किस स्टेट में बनता है, ठीक है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज किस स्टेट में सेंड किए जाते हैं, ठीक है ठीक है जी, एलएसआर किस स्टेट में सेंड किए जाते हैं, तो ये उसके वो किसी भी स्टेट से कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये वही क्वेश्चन करेगा जो बहुत ही टेक्निकल बंदा होगा, ठीक है, नॉर्मल बंदा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन करेगा बस, जैसे प्री सेल इंजीनियर के बंदे होते हैं, दूसरे होते हैं, या मैनेजमेंट लेवल के लोग होते हैं, उनको टर्मिनोलॉजीज का सब पता होता है, लेकिन अंदर से टेक्निकल बातों का नहीं पता होता, ठीक है सही है। तो डाउन स्टेट अभी ओएसपी अपने चला, ओएसपी जैसे चलाएंगे टू हेलो सेंड किए जाएंगे, ठीक है तो ये हेलो इनिशिएट हो जाएगा, दूसरी तरफ से भी हेलो आएगा, तो ये दोनों नेबर बन जाएंगे, टू वे स्टेट हो जाएगी, ठीक है। फिर एक्स्ट्रा स्टेट के अंदर इंस्ट्रक्शन मैसेज का डिसाइड होगा कौन सेंड करेगा, तो जीरो डीआर बनेगा, वो सेंड करेगा, हायर राउटर आईडी होगी, फिर एक्सचेंज स्टेट के अंदर वो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज एक्सचेंज करेगा समरी की, फिर उसकी समरी का एक्नॉलेज करेगा दूसरा राउटर, ठीक है। फिर जब वो समरी आ जाएगी दोनों एक दूसरे एक्नॉलेजमेंट करेंगे, फिर राउटर जो है रिक्वेस्ट करेगा किसी के लिए, उसकी अपडेट सेंड करेगा, और फिर उसके अगेंस्ट उसका एक्नॉलेजमेंट सेंड किया जाएगा और आपकी स्टेट फुल हो जाएगी, तो राउटर की स्टेट ये फुल हो जाएगी, सही है बिल्कुल। अच्छा अब बात आती है वो मल्टी एक्सेस नेटवर्क की, यहाँ पे ये कंसीडर कर लें, ये दरमियान में जो एक लकीर है ना, ये लकीर नहीं है, ये स्विच है, ठीक है ठीक है। इस तरह की जब भी कोई पिक्चर देखें सीसीआई के अंदर भी और यहाँ भी, तो इसको आप कंसीडर करेंगे ये एक स्विच है, ठीक है। एक मिनट मैं एक बंदा और, अच्छा जी, ये जी आतिफ आवाज आ रही है? हेलो हेलो,
जी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? अच्छा, मैं मेरा टीम ओवर सेशन ले लें, टीम ओवर भी लूं? मैसेज आया होगा इसे। हाँ, टीम ओवर मैसेज है। हाँ, ये मैसेज आपको सेंड किया, इसका पासवर्ड सेशन आईडी है। टीम ओवर के ऊपर सेशन नहीं, मैं आपको बैक करता हूँ। ऑथेंटिकेशन फेल हो रही क्या? पासवर्ड गलत दिया या नहीं? वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है? एक मिनट, आपका वर्जन 7 है ना? हाँ, वर्जन 7 वाला नहीं खोल रही। सेवन में दोबारा ले यार, इसको भी अब वो कर रहा है। अच्छा, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड क्या है? पासवर्ड मैंने अभी चैट पे सेंड किया है। अच्छा, DUS47। जी, मेरा सेशन आ रहा है। आ जाएगा, आ गया। अच्छा, ऐसा है कि अबू धाबी के अंदर से सैफ हैं और इंडिया से न्यू दिल्ली से रमनीत सिंह है। अबू धाबी से इशू ये होता है कि जो सेशन है ना, वो 15 मिनट बाद ब्रेक हो जाता है, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, मैं स्विच ओवर कर देता हूँ, ठीक है? अच्छा, अभी तक चलने देते। अगर 15 मिनट बाद डिस्कनेक्ट हो गया ना टीम ओवर, तो आप मुझे अपनी आईडी और पासवर्ड टीम ओवर का दे दें, तो मैं आपका लेके फिर आपको स्विच ओवर कर दूंगा अपना डेस्कटॉप। सही है? नहीं सर, इनका नहीं होगा, क्योंकि इनका जो है वो प्राइवेट लाइन है, हम लोगों की जो है तसला की तरफ से है। मे भी ना हो, लेकिन फिर भी अगर हो तो फिर हम कर लेंगे, ठीक है जी? सबको आवाज ठीक आ रही है? बिल्कुल यस सर, बिल्कुल ठीक है जी। तो मेंटेनिंग राउटिंग इन्फॉर्मेशन, हम बात कर रहे थे थोड़ी सी, हमने बात है OSPF के ऊपर, OSPF के पैकेट टाइप्स कितने होते हैं। हेलो पैकेट होता है, लिंक स्टेट होता है, लिंक स्टेट अपनी स्टेट, एक्नॉलेजमेंट पैकेट होते हैं, ये 5 पैकेट कैसे एक्सचेंज होते हैं उसके ऊपर डिस्कस किया। और फिर हमने देखा है कि पैकेट टाइप्स के अंदर क्या क्या चीज, वर्जन नंबर लिखा होता है, टाइप होगी, पैकेट लेंथ होगी, राउटर आईडी होगी, एरिया आईडी होगी, चेकसम होगा, ऑथेंटिकेशन टाइप MD5 है, ये सिंपल है, ऑथेंटिकेशन जो है जो होगा, और डाटा जो राउट्स होंगे जहाँ पे लगे हुए। उसके बाद हमने देखा था कि जब भी OSPF के अंदर दो राउटर्स आपस में हेलो मैसेज एक्सचेंज करते हैं, तो हेलो मैसेज एक्सचेंज करते हैं वो क्या सर्टन पैरामीटर्स होते हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं, तो हेलो मैसेज के अंदर ये वो तमाम पैरामीटर्स लग के जाते हैं दूसरे राउटर को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो दोनों एंड पे राउटर्स के हेलो मैसेज के अंदर पैरामीटर्स का होना मस्ट होता है, वो हेलो डेट टाइम इंटरवल दोनों एंड पे सेम होना मस्ट होते हैं, एरिया आईडी दोनों राउटर पे सेम होना मस्ट होती है, ऑथेंटिकेशन पासवर्ड आपने अगर लगाया हुआ है तो दोनों एंड पे सेम होना मस्ट हो गए, और स्टब फ्लैग, एरिया फ्लैग, स्टब एरिया फ्लैग, जब हम राउटर का स्टब फ्लैग या टोटली स्टबी या नॉट सो स्टबी बनाते हैं, तो उस एरिया के तमाम राउटर्स को स्टब या टोटली स्टबी बनाना हमारे लिए सब पे कन्फिगर करना मस्ट इसलिए होता है कि नेबर रिलेशनशिप ब्रेक हो जाती है। तो ये 4 पैरामीटर्स ऐसे हैं जो OSPF की नेबर रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने देखा यह कि बाय डायरेक्शनल OSPF उसमें नेबर रिलेशनशिप बनाते हुए 7 स्टेट से गुजरते हैं। पहली डाउनलोड स्टेट होती है जिसके अंदर हेलो मैसेज सेंड किए जाते हैं, जिससे इनिशिएट होता है पहला स्टेट, और ये जैसे ही रिसीव करेगा तो ये नेबर बना लेगा, क्योंकि इसको 5.1 से एक हेलो मैसेज रिसीव होगा, इसके इंटरफेस इथरनेट 1 पे, तो ये फौरन अपनी तरफ से मैसेज सेंड करेगा
यूनिकास्ट करके, क्योंकि हेलो उसको वो मल्टीकास्ट आईपी पे सेंड करेगा, यूनिकास्ट सेंड करेगा और उसे नेबर बन जाएगा। तो टू वे स्टेट के अंदर दोनों आपस में एक दूसरे से नेबर रिलेशनशिप बना चुके होते हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा स्टेट स्टार्ट होती है जिसके अंदर डिफ्यूजन मैसेज कौन सेंड करेगा। तो दोनों में राउटर में डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज वो सेंड करेगा, राउटर आईडी बड़ी होगी। तो ये राउटर कहता है कि एक्सचेंज बिकॉज आई हैव राउटर आईडी दिस, लेकिन दूसरा राउटर कहता है कि नहीं मैं एक्सचेंज करूंगा बिकॉज मेरी राउटर आईडी बड़ी है। तो जिस राउटर आईडी से बड़ी होने की वजह से ये डीआरबी बन गया और फैसला भी ये हो गया कि एक्स्ट्रा स्टेट के अंदर जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन एक्सचेंज करेगा वो बड़ी राउटर आईडी वाला करेगा, मतलब डीआर करेगा। तो एक्सचेंज स्टेट के अंदर फिर ये डीआर राउटर जो है डेटाबेस डिस्क्रिप्शन मैसेज को समरी एज अ एक्सचेंज करता है अपने नेबर राउटर के साथ, और नेबर राउटर फिर अपनी समरी मतलब टोपोलॉजी टेबल या डेटाबेस टेबल या लिंक स्टेट डेटाबेस टेबल एक्सचेंज करेगा। जब ये एक्सचेंज कर लेंगे तो फिर नेक्स्ट स्टेट के अंदर जाने से पहले ये दोनों को एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे, दोनों एक दूसरे को एक्नॉलेजमेंट सेंड करेंगे और थैंक्स को इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद ये जो डिस्क्रिप्शन आएगी ये राउटर उसके अंदर लिंक स्टेट रिक्वेस्ट सेंड करके स्पेसिफिक नेटवर्क के लिए स्पेसिफिक नेटवर्क की रिक्वेस्ट करेगा कि फला नेटवर्क के लिए मुझे डिटेल एंट्रीज दो। तो ये अपने लिंक स्टेट अपडेट के थ्रू ये उस इंटर की तमाम इंफॉर्मेशन उसको देगा, जिसके नतीजे में ये वाला राउटर एक्नॉलेजमेंट सेंड करेगा और ये स्टेट इन दोनों की फुल स्टेट हो जाएंगी। मतलब 7 स्टेट से गुजरने के बाद ओएसपीएफ का जो राउटर होगा वो अपना राउटिंग टेबल बिल्ड कर चुका होगा। तो 7 स्टेट डाउन स्टेट इनिट टू वे स्टार्ट एक्सचेंज लोडिंग एंड फुल 7 स्टेट्स ये कहलाती हैं, तब ये नेबर्स बनते हैं। अच्छा जी, अब देख रहे हैं कि मेंटेनिंग राउटिंग इंफॉर्मेशन, अगर मल्टी एक्सेस नेटवर्क हो, जैसा कि मैंने बताया कि ये जो दरमियान में लाइन है ये एक लाइन नहीं है, आप इसको सपोज कर लेंगे ये स्विच लगा हुआ है और उस स्विच के साथ राउटर बी भी कनेक्ट है, राउटर ए भी कनेक्ट है इथरनेट के साथ, और ये राउटर इसका नाम नहीं दिया हुआ सपोज, ये राउटर सी है ये भी कनेक्ट है और राउटर डी आर वाला ये भी कनेक्ट है। तो ऐसे नेटवर्क जब राउटर स्विचेस के थ्रू आपस में कनेक्ट होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं मल्टी एक्सेस नेटवर्क, इसलिए कि फिजिकली ये एक और के साथ कनेक्ट होते हैं लेकिन वर्चुअली ये सबके साथ कनेक्ट होते हैं, मतलब आपस में वर्चुअली तमाम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरी रीजन कि जब ये वर्चुअली सबके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं तो इनका ब्रॉडकास्ट वेन भी एक होगा, ब्रॉडकास्ट वेन भी सेम होगा। जब ब्रॉडकास्ट वेन सेम होगा तो नेटवर्क आईपीज नेटवर्क सेम होगा, आईपीज यूनिक होगी। अब इस सिनेरियो के अंदर मैंने पिछले मॉड्यूल के अंदर आप लोगों को बताया था कि मल्टी एक्सेस नेटवर्क के अंदर हमें डीआर बीडीआर बनाने की जरूरत ओएसपीएफ के अंदर क्यों पड़ती है, इसलिए कि अगर ये डीआर बीडीआर नहीं बनाते तो तमाम राउटर्स वर्चुअली एक दूसरे से एक्सेसिबल हैं। तो ये ओएसपीएफ जब प्रोटोकॉल चलाओगा ना इस एनवायरनमेंट के अंदर तो तमाम राउटर्स ओएसपीएफ के अंदर एक दूसरे को नेबर बना लेंगे और वो भी फुल नेबर रिलेशनशिप बनाएंगे। फुल एडजेसेंसी नेबर रिलेशनशिप का मतलब होता है कि वो राउटर उस राउटर नेबर के साथ अपनी तमाम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा, चाहे राउट डाउन हो अप हो कोई भी प्रॉब्लम आए। तो इस सिनेरियो के अंदर क्या होता है प्रॉब्लम के डीआर बीडीआर जब नहीं होते तो वो फुल नेबर रिलेशनशिप बनाते हैं, तो हमारे इस मल्टी एक्सेस नेटवर्क के अंदर राउटर्स की नेबर रिलेशनशिप बढ़ जाती है। तो बढ़ने के सिनेरियो के अंदर जब भी कोई मैसेज सेंड किया जाता है तो वो तमाम नेबर्स को जाता है इंडिविजुअल, हर नेबर के लिए सेपरेट मैसेज जाएगा, सेपरेट मैसेज आएगा, मैसेजेस आपके बढ़ जाएंगे, नेबर रिलेशनशिप आपकी फुल एडजेसेंसी बढ़ जाएंगी और ये बीच में जो बेचारा स्विच लगा होगा इसकी एफिशिएंसी डाउन होगी। ठीक है, तो मैसेज इंक्रीज होंगे, इसकी प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो एफिशिएंसी नेटवर्क की डाउन हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए डीआरबीडीआर का इलेक्शन होता है। तो डीआरबीडीआर का इलेक्शन मैंने आपको लास्ट टाइम बहुत अच्छे तरीके से बताया था, पहले प्रायोरिटी देखी जाती है, अगर वो बाय डिफॉल्ट वन होती है टाई हो जाएगी, टाई को ब्रेक करने के लिए उसके दरमियान राउटर आईपी आएगी। राउटरों की कैसे बनती है मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि अगर फिजिकल इंटरफेस में से सबसे हाईएस्ट आईपी होगी वो बन जाएगी, लेकिन अगर फिजिकल इंटरफेस के एड्रेस के ऊपर आईपी दी हुई है तो फिजिकल जो आईपी है वो इग्नोर कर दी जाएगी, वो इलेक्शन से जिस लूप बैक की सर वो आईपी उस राउटर की आवाज आईडी बन जाएगी। कम और ज्यादा हो रही है, कम या ज्यादा हो रही है अब? ठीक है यस सर, एक मिनट।
नहीं आपने अपनी तरफ से फुल किया, तो मैं आपको बताता हूँ आप अपनी तरफ से जो है ये वॉल्यूम जो है इस वॉल्यूम पे फुल करनी, फुल है सर, फुल है वो तो अभी बीच में हुआ था अभी। अच्छा बीच में हुआ, ठीक है, तमाम हमको मेरा कर्सर तो नजर आ रहा है ना? बिल्कुल यस सर, ठीक है। अच्छा तो इस स्लाइड के अंदर ये बताना कि जो डीआर होता है ना, डेजिग्नेटेड राउटर, मल्टी एक्सेस नेटवर्क के अंदर जब मैसेजेस है, ठीक है, तो वो 2.0.0.5 मल्टी का ऊपर एक मैसेज सेंड करता है जो कि डीआर अदर्स के लिए होते हैं, नोटिफाई अदर्स, मतलब डीआर अदर्स होते हैं, ये भी डीआर अदर है, ये भी डीआर अदर है, सपोज कर लें इस सिनेरियो के अंदर, तो जितने भी डीआर अदर्स होंगे उनके लिए जो मैसेज जाएगा वो इंडिविजुअल मैसेज सेंड नहीं किया जाएगा इस मल्टी एक्सेस नेटवर्क में, वो एक मल्टीकास्ट आईपी होगी जो 2.0.0.5 ओएसपीएफ के डीआर अदर्स डीआर राउटर को सेंड करने के लिए यूज की जाएगी। लेकिन ये जो डीआर अदर्स हैं, सर आपकी आवाज कट रही है, है लिंक स्टेट कट रही है मेरी तरफ, हेलो, एक पैकेट लॉस्ट हुआ है अभी, बता रही है, ठीक है अभी जी बता रही है मेरी, अब ठीक हो गई है। हाँ सही है, अच्छा बीच में पैकेट लॉस हो रहे हैं, अब ठीक चल रहा है जी, अब ठीक आ रही है, ठीक है सर, सही आ रही है अब, ठीक है सर, ठीक है जी सैफ, आपको ठीक आ रही है? यस सर, आ रही है सर जी। तो जो डी आर अदर्स होंगे उनका डाउन होगा तो वो मैसेज सब करेंगे, बल्कि एक स्पेसिफिक मल्टीकास्ट टाइप भी वो होगी 224.0.0.6 जो कि फिक्स है डीआर डेजिग्नेटेड राउटर के लिए, ये सिर्फ एक मैसेज 224.0.6 के थ्रू इस डीआर को बता देगा, क्योंकि डीआर अदर्स की डीआर और बीडीआर फुल नेबर रिलेशनशिप होती है, लेकिन डीआर डीआर अदर्स की आपस में टू वे नेबर रिलेशनशिप होती है, ये फुल टू वे नेबर रिलेशनशिप में मैंने आप लोगों को बताया था, टू वे नेबर रिलेशनशिप होती है दो डीआर अदर्स की, इसका मतलब है वो सिर्फ नेबर्स होते हैं, तो आपस में कोई भी राउट एक्सचेंज टू वे स्टेट। हेलो हेलो, आवाज में हेलो सर की लाइट चली गई, एक मिनट पानी पी के आया यार, ठीक है एक मिनट रुकवाना मैं क्लास, ठीक है।